अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ अली खाकी। आज जो बात आपको बताने वाला हूँ, बल्कि मैं सुनवाने वाला हूँ, वो एक बीबीसी के एंकर मोहम्मद हनीफ ने जो जनरल बाजवा की है वो सुनवाऊँगा। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में ऐसी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है जनरल बाजवा की। यानी कि पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते आली काल देती, तो समझ लो, तो समझो एक किस्म की मोहम्मद हनीफ ने, बीबीसी वाले ने ऐसे ही जनरल बाजवा की है। बस ये आप जरा उसकी, पहले आप ये उसका वीडियो क्लिप सुने। जनरल कमर जुवेद बाजवा साहब चले गए थे, जाते जाते फरमा गए ने कि अब से मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। तो इन्हीं बदनामी तो बाद जो बंदा गुमनाम हो ही जावे तो बड़ा नसीबा आला ही होएगा। तो बाजवा साहब वैसे भी नसीबा आले ने, क्योंकि अपनी नौकरी विचों जायदादा भी बना के लै गए। ये जायदादा उन्होंने फौजी कानून के मुताबिक बनाई ने, तो जिहड़ी बिस्ती कराई है वह सारी उन्हों की अपनी मेहनत है। मेरा ख्याल है यह बिस्ती उन्होंने थोड़ी जी महसूस भी हुई है, क्योंकि जाते जाते कौम के नाल उन्होंने गिला किया है भी पाकिस्तानियों हिंदुस्तान वालों वाल वेखो, उन्होंने फौज उन्होंने लोगों पर बड़ा जुल्म करती है, लेकिन वह फिर भी फौज के नाल खलोते हैं। तो तुसी पाकिस्तानी साड़ी कुर्बानियों की कदर ही नहीं करते, तो एवें मेहने मारते रहते हो। मतलब है कि तुहाडे मूँह कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं। नाल यह भी फरमाया जे फौज नाल कोई शिकायत हो शाइस्ता जुबान में तनकीद कर लिया करे। मतलब असी तुहानू जुतियां भी मारते रहिए, तुसी रोना नहीं, रौला नहीं पाना, बस साडे नाल आप जनाब करके गल कराया करो। तो दिल दिल करता है ते पिछे थोड़ी थोड़ी मिठी मिठी ढोलकी बजा लिया करो। हथ बन के ते बड़ी शाइस्ता जुबान विच जनरल बाजवा साहब नू याद कराना है कि जिन्हियां मुहब्बतां इस कौम ने अपने फौज ते अपने जनरलां नू दित्तियां ने, वह घट ही किसी कौम ने दित्तियां होणगियां। हिंदुस्तान विच किसी नू पता भी नहीं होना कि उन्हां दा जनरल बाजवा कौन है। इत्थे हर घर विच हर गल विच अजकल हर गल विच तुहाडा नाम मौजूद हुंदा है। हिंदुस्तान दे किसी जनरल ने अरब रुपया ख्वाब विच भी नहीं वेख्या होना, ना उत्थे कोई रिटायर होकर मुरब्बे लैंदा है। हिंदुस्तान की फौज ने किन्ने वजीर आजमां नू देसन काला दिता है, किन्ने फाइल आए ने। हुण ते तुहाडा बीबा मुंडा इमरान खान भी खुल के कहिंदा है वी उहदी लत्त विच गोलियां तुहाडे बंदियां ने मारियां ने। एक पुट हुंदा सी, उहने हिंदुस्तान तों तुहाडे जंगी कैदी छुड़ाए, 6 साल बाद फाइल आ छड़िया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये क्लिप सुना और देखा कि पंजाबी में मोहम्मद हनीफ ने कैसी जनरल बाजवा की ऐसी की तैसी फेरी है। यानी कि आपको पता होता है, यानी कि इसमें एक ऐसी मिसाल है कि जब तक आपके जिस्म पे वर्दी है ना, तब तक आपके पास ताकत है। जब वो वर्दी उतर जाती है तो आपके पास ताकत नहीं रहती। यानी कि जो बंदा खुद को फरौन समझता था, आज उसकी औकात ये है कि हर गली मोहल्ले में उसको हर बंदा गाली दे रहा है। इतनी बेइज्जती आज तक शायद ही किसी की हुई हो, क्योंकि इस जैसा बेगैरत बेईमान जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हो, शायद ही कोई जनरल आया होगा। ये जनरल इतना करप्ट था ना, इतना यानी कि बेईमान था ना, कि जिसकी मिसाल नहीं आज तक मिलती कहीं से भी। इतना ये करप्ट इंसान था, ये मरने तक इसके साथ ये गद्दारी वाला और बेईमानी वाला टैग हमेशा रहेगा। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।